पंजाब के महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जनवरी 2019 से जून 2022 के दौरान सूबे में एड्स के मरीजों की तादाद के हवाले से रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2019 में पंजाब में एड्स के 642 मरीज थे, जिनमें से लाहौर में 50 केस रजिस्टर्ड हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2019 तक 2646 केस रिपोर्ट हुए। प्राइमरी एंड सेकेंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने मजीद बताया कि अक्टूबर से दिसंबर 2019 के दौरान एड्स के 1241 केसेस सामने आए, जबकि 2020 में एड्स के 4872 केस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल यानी 2021 में पंजाब भर में एड्स के 5096 केसेस रजिस्टर्ड हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी तक जून 2022 पंजाब में एड्स के 3241 केस सामने आए। मजीद बताया गया है कि इदारे की जानिब से लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, इसलिए केसेस ज़्यादा सामने आए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का दायरा कार वसी किया जा रहा है।